जनादेश में आज हम झालावाड़ जिले की भी बात करेंगे। यहाँ डग, झालरापाटन, खानपुर और मनोहर थाना सीट हैं। यहाँ कई मुद्दे प्रमुख रूप से चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र की। डग, झालरापाटन, खानपुर और मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र। डग विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,64,667 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के कालूराम ने कांग्रेस के मदन लाल को हराया था। झालरापाटन में कुल 2,97,810 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जासोल को हराया था। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,47,045 मतदाता हैं। 2018 में खानपुर में भाजपा के नरेंद्र नागर ने कांग्रेस के सुरेश गुर्जर को हराया था। मनोहर थाना विधानसभा में कुल 2,66,460 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के गोविंद रानीपुरिया ने कांग्रेस के कैलाश मीना को हराया था। यहां बेरोजगारी, उद्योग धंधों का बंद होना और प्रोसेसिंग यूनिट की कमी मुख्य मुद्दा है। झालावाड़ में कोटा स्टोन का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में धनिया, संतरा और सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कृषि प्रधान होने के साथ साथ ही सरसों, धनिया और संतरे की बम्पर आवक होती है। पिछली समय में विकास कार्य तो हुए, लेकिन उनका लाभ जो युवा वर्ग है और जो जिन लाभान्वितों को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। उनमें ये अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी का जो स्तर है उसको थोड़ा बहुत सुधार किया जाए। यहाँ पर कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर संतरा, नारंगी, सोयाबीन वगैरह और ये धनिया का जो बड़ा व्यापार होता है, इसके अंदर थोड़ा और इसको उच्च आयाम तक पहुँचाया जाए। आगामी जो भी सरकार आए वो हम महिलाओं के हित में कार्य करे, हमें रोजगार प्रदान करे, शिक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक करें, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए कड़े से कड़े कानून की व्यवस्था करें।